वाह यार, देख रहे हैं सुबह का टाइम है और इतना ज्यादा कुहासा है कि फेस भी ठीक से उतना अच्छी तरह से नजर नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कि कितना कुहासा है और थोड़ा थोड़ा बारिश जैसा भी हो रहा है और काफी ज्यादा ठंड भी है। कुहासा तो देख सकते हैं उस तरफ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार फ्रॉम झारखंड। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यंगिस्तान मोदनिया में फिर एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो आज का ये वीडियो रैंडमली ब्लॉग रहेगा, जैसे डेली ब्लॉग बनाते हैं ना, उसी तरह आज का ये ब्लॉग रैंडमली ब्लॉग रहेगा। मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट में क्या होने वाला है, तो आप लोगों को इस ब्लॉग में पूरा देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे चैनल का जो भी नया अपडेट्स होगा वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंस्टाग्राम में आप लोग मुझे फॉलो नहीं करें तो जाइए, जाकर के फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोगों को रेगुलर पोस्ट मेरा मिलता रहेगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी सबसे पहले तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग कह लेता हूँ, जोहार भी कह लेता हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी से ब्लॉग को आगे दिखाता हूँ कि अभी का किस तरह क्या सीन है वो आप लोगों को अभी दिखा लेता हूँ। तो चलिए फिर देखिए ब्लॉग को। नहीं मतलब देख रहे हैं यार, सुबह का टाइम है पर फिर भी इतना ज़्यादा कुहासा, और इतना ज़्यादा कुहासा है इधर कुछ नज़र तक नहीं आ रहा है, और थोड़ा बहुत बारिश के बूंदे जैसा भी गिर रहा है, और ठंड का तो मतलब बता नहीं सकते यार। मतलब काफी ज्यादा ठंड लग रहा है यार, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। तो अभी आप लोगों ने अभी का सीन तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह का सीन है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे क्या होता है वो आप लोगों को ब्लॉग में दिखाता हूँ। तो फिर आप लोग कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पे। यार सुबह का अभी 8:30 बज चुका है और मुझे अभी नहाना भी है और ठंड भी लग रहा है। पता नहीं अब मैं कैसे नहाऊंगा, पर मुझे नहाना तो एकदम है ही। तो फिर नहा लेता हूँ, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी मस्त एकदम नहा धो करके रेडी हो चुका हूँ और मैंने खाना भी खा लिया है। थोड़ा सा ठंड लग रहा था पर कोई बात नहीं, और अभी धूप भी आ चुका है देख सकते हैं। और इधर से नहीं दिखेगा, कैमरा स्विच करके दिखाना पड़ेगा। और इधर बैठा हूँ और ये मेरी छोटी बहन है, तो थोड़ा सा जरूरी है स्टडी भी। ये अब देख सकते हैं सूरज भी हम लोगों का यहाँ पर आ चुके हैं और अभी धूप देना शुरू हो चुका है। ये वाला था ना, भागा देना था वाला था ना, हाँ। वाला ठीक से याद हो गया। अपने ने गलती नहीं ना करी, अब सही से बनाएगी ना। हाँ। हाँ एकदम सब सही से बनाना है। चलो ला पेंसिल, पेंसिल ला, पेंसिल पेंसिल निकलना। अपने पेन लाइए, पेन नहीं नहीं बोल सकते। अच्छा ठीक है, पेंसिल निकालो। तो अभी थोड़ा सा ये जो ये भी एक बहुत अच्छा काम है, तो फिर अभी कर लेता हूँ। मेरे लिए तो काम है और ये मतलब हर रोज़ सुबह के टाइम ये करता हूँ, और मतलब बच्चा लोग के साथ थोड़ा बैठता हूँ। तो फिर इसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ ब्लॉग में। काफ़ी देर तक धूप में सोने के बाद मैं अभी सो करके उठा हूँ। मतलब काफ़ी थोड़ा ठंड लग रहा था, तो धूप में ही चटाई लगा कर छत पर सो गया था, और अभी जा कर के नींद टूटा है। तो हेलो दोस्तों, मैं अभी हमारे खलियान में आ चुका हूँ। पर खलियान में ये सब देख सकते हैं कि इधर इसे चाकी बोला जाता है, बीड़ा सब हम लोग बैठाए हुए हैं, रखे हुए हैं। तो ये सब अभी इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा। इस वीडियो में आप लोगों को जैसे कि देख सकते हैं कि पीछे में कुछ साग सब्जी वगैरह लगा हुआ है, तो इसमें से कुछ धनिया का पत्ता तोड़ करके घर ले जाना है चटनी बनाने के लिए। आप लोगों को पता ही है कि धनिया का चटनी कितना अच्छा लगता है खाने में, रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही मस्त लगता है। तो वही अभी तोड़ करके घर के लिए ले जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं धनिया का पत्ता मैं तोड़ रहा हूँ। हाँ।
इतना सारा अभी धनिया पत्ता तोड़े हुए हैं और भी है, देखिए कितना सारा हो गया और भी तोड़ा रहा है। इधर हो गया पालक का साग, तो ये सब भी थोड़ा तोड़ते हैं क्योंकि ये सब भी घर ले जाना और ये सब का भी सब्जी बनाना है, तो ये सब भी तोड़ लेते हैं। इधर देख लीजिए, ये पालक का साग इतना तोड़ा जा चुका है और धनिया का पत्ता तो आप लोगों ने देख ही लिया कि कितना हमने तोड़ा। और इधर हो गया हम लोगों का अमरूद का पेड़, आपने कुछ दिन पहले देखा था कि बहुत सारा अमरूद का पेड़ में यहाँ पर अमरूद फल रहा था, तो वो सब आप लोगों को वीडियो में दिखाए थे, तो अभी तक ख़त्म हो चुका है पर फिर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो अभी यहाँ पर जो भी हमने साग वगैरह तोड़ा है अब ये सब घर लेकर के चलेंगे। तो आज का इस ब्लॉग को यहीं पर इन करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा ब्लॉग था, रैंडमली ब्लॉग था, बस ऐसे ही मैंने सुबह को स्टार्ट कर दिया, तो सोचा आप लोगों को डेली ब्लॉग के जैसा ही कुछ देखने को मिलेगा कि क्या क्या हुआ। तो काफ़ी सारा चीज़ें हैं मुझे लगता है आप लोगों को आज के इस ब्लॉग में देखने को मिला है। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर इन करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पर आप लोग थोड़ा जो भी अगर इस बारे में कुछ भी अगर पूछना हो, बताना हो, कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा हमें। और वीडियो को एक लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है। और अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो भी अपडेट्स होगा वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और इंस्टाग्राम में अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं करें तो जाकर के जल्दी से फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिर चलिए, फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड, बाय बाय।